कोरोना कर्फ्यू में मिली 5 घंटे की छूट को दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय जनता ने भी इसका स्वागत किया है। इससे पहले हमीरपुर जिला में 3 घंटे ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोला जा रहा था, लेकिन आज सोमवार से शुक्रवार तक बाजारों की सारी दुकानों को खोला जाएगा। हमीरपुर में भी लोगों ने 5 घंटे बाजार खुलने का स्वागत किया है और सरकार का धन्यवाद किया है। कोविड बीमारी थमने पर ज्यादा समय बाजार खोलने की मांग भी वहीं लोगों के द्वारा की जा रही है। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने लोगों से मामले कम होने के बावजूद एहतियात बरतने का अनुरोध किया तो बाजार में बिना वजह आवाजाही न करने की भी बात कही। लोगों का कहना है कि सरकार का 5 घंटे बाजारों को खोलने का फैसला अच्छा है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही बाजार पहुँचे। मोबाइल विक्रेता का कहना है कि आज पहला दिन है और सरकार से उम्मीद है कि 5 जून की बैठक में 5 बजे तक बाजारों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। दुकानें आज खुली हैं, इससे अब चहल पहल नजर आ रही है। अब पहले से लगेगा पता कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तक तो फिलहाल छोटा मोटा चल रहा है काम, 2-4 दिन देख लेने चाहिए। जैसे 5 तारीख उन्होंने फिर से मीटिंग करनी है, उसके बाद ही लगेगा। उसके बाद इनको 5 बजे तक कर देना चाहिए टाइम। तो उसमें सरकार ने बढ़ाया है और जिस ढंग से कोरोना से लोग प्रभावित हो रहे हैं, डेथें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी सरकार थोड़ा और इसको लिंगर ऑन कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि किसी भी व्यापार व्यवसाय से ज़्यादा जरूरी लोगों की ज़िंदगी है। क्योंकि जिस घर में ये आफत पड़ रही है, पता उनको चल रहा है कि कोरोना है क्या। तो मेरी तो सहमति नहीं है, फिर भी सरकार तो सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसला तो अच्छा है, फैसला बहुत बढ़िया है, पर थोड़ा सा लोग जरा थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करें और दुकानदार भी कंप्रोमाइज करें कि सैनिटाइजर के बगैर कोई भी ना आए। या हो सकता है कि जो कस्टमर है, लोग हैं अच्छे, वो सैनिटाइजर अपने जेब में रखें और उनको बार बार लगाते रहे, हाथ धोते रहे, और थोड़ी सी दूरी का भी और मास्क बहुत जरूरी है। व्यापार मंडल के महासचिव अश्विनी जगोता का कहना है कि व्यापार मंडल के द्वारा भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दुकानों को खोलने की अपील की है और अब सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक दुकानों में भीड़ जमा ना करने को भी कहा गया है। साथ ही सरकार भी दुकानों को खोलने का समय बढ़ाएगी, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई। ऐसा है कि जैसे आपको पता ही है कि पिछले लगभग 1 महीने से दुकानें बंद थी, तो सभी दुकानदार ये चाह रहे थे कि दुकानें खुलें, लेकिन जैसे भी दुकानें खुली हैं तो हमने अपने सभी दुकानदार भाइयों से एक अपील करी है व्यापार मंडल ने कि जो कोरोना काल में जो प्रोटोकॉल सरकार ने हमें दिया उसका पालन करते हुए दुकानें खोलें और कोई भी भीड़ भाड़ ना करें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने ग्राहकों को भी सुरक्षित रखें। चलो, वैसे हमने तो सरकार से ही मांग की थी कि हमें जो समय है वो 9 से 5 दिया जाए ताकि थोड़े कम समय में ज़्यादा रश ना हो, ताकि लोग धीरे धीरे करके बाजार में आए, एक इकट्ठे ना आए। लेकिन जो भी सरकार ने दिया है ठीक है, आगे सरकार सिचुएशन को देखते हुए टाइम बढ़ाएगी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखें सभी। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने लोगों से आह्वान किया कि बाजारों में मिली छूट के चलते अनावश्यक तौर पर बाजार का रुख ना करें। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि बिना वजह से बाजार में ना घूमें, क्योंकि जिला में कोविड के मामलों में कमी तो आई है लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। इसलिए वे सभी को ये आह्वान करती है कि इस बीमारी से निजात दिलवाने में अपना सहयोग करें। लोगों को बहुत महत्वपूर्ण मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी तरफ से कि मामले कम हुए हैं, ये हम आंकड़ों से देख सकते हैं। हमने टेस्टिंग और भी ज़्यादा लोगों से आग्रह किया है कि टेस्टिंग के लिए अभी भी ऐसा ना सोचें कि अब ख़त्म हो गया, टेस्टिंग के लिए ना आए। कृपया सबसे अनुरोध है कि अभी भी जैसे जैसे प्लान होता है टेस्टिंग के लिए बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने आप से आगे आएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आंकड़े कम हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर उधर जो है हमारी नॉलेज के बाहर ऐसे लोग नहीं हैं जो शायद संक्रमित होंगे। और क्योंकि लॉकडाउन में लोग चल फिर नहीं रहे थे, घूम फिर नहीं रहे थे, तो उस चेन के टूटने से जो है ट्रांसमिशन कम हुआ होगा। बट ये हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि एकदम सेकेंड वेव खत्म हो गया है या केसेस जो है अब आएंगे ही नहीं या कहीं इधर उधर से सडनली क्लस्टर दोबारा नहीं बन सकता। कोविड की बीमारी ऐसी है कि कई बार दबे पांव जो है दस्तक देती है, हम सबको पता है। इसीलिए हमने सबकी सहूलियत के लिए सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से छूट और बढ़ाई है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोग और हम लोग सब जो है बिना अनावश्यक रूप से फिर से घूमना फिरना शुरू करें।
इतने दिनों से दुकानें बंद थी, लोगों की जरूरतें होती हैं, कई सारे दुकानें एसेंशियल्स के अलावा भी लोगों को उसमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए छूट दी गई है। लेकिन लोगों से फिर से अनुरोध है कि ये टाइमिंग्स जो हैं उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, और किसी भी तरह से जहां जरूरत नहीं है, जहां आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है, वो भीड़ भाड़ में बिल्कुल जो है वो ना जाएं और इकट्ठा ना करें भीड़।